अभी हम 27 नंबर पाया के आगे और 26 नंबर पाया के पीछे है, और यहाँ पर जो सेगमेंट को काट करके नीचे लाया जा रहा है वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार सेगमेंट को नीचे लाया गया है। लाने का वीडियो तो नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सेगमेंट जो ला दिया गया है वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो मशीन लगा हुआ है उसकी मदद से सेगमेंट को नीचे लाया जा रहा है। और अभी मैंने पता किया तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि पूरे दिन में एक सेगमेंट को बमुश्किल नीचे लाया जाता है, और देख सकते हैं कि काफ़ी बारीकी से काम किया जा रहा है। पहले सेगमेंट को देख रहे हैं कि आगे में कितना चिकना और प्लेन है, और ये मशीन है, हम ऊपर से भी आपको इसका वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये वो सेगमेंट है जिसे उतार करके लाया गया है नीचे, देख सकते हैं ये सेगमेंट है, ये महात्मा गांधी सेतु का सेगमेंट है जो नीचे आया है। ये एक सेगमेंट ये है, और एक सेगमेंट उधर रखा हुआ है, और एक तीसरा ये है। तो ये स्थिति है, और ये मशीन है जिसकी मदद से सेगमेंट यहाँ से नीचे आता है क्रेन की मदद से, और यहाँ पे आकर के रखाता है। तो अब मलबा ये जो सेगमेंट है यहाँ से उठ करके सीधे गाड़ी पे लोड होकर के यहाँ से चला जाएगा, ताकि गंगा में इसका मलबा ना गिरे और ना ही पानी में किसी प्रकार का परेशानी हो। तो ये अपडेट है सेगमेंट का, सेगमेंट जो लाया जा रहा है वो मशीन का, क्योंकि आज अभी काम नहीं चल रहा है जिसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस प्रकार सेगमेंट को जो है नीचे लाया जाता है। तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। अभी फ़िलहाल यही काम चल रहा है, महात्मा गांधी सेतु के पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है। 27 नंबर पाया 28 नंबर पाया के बीच में काम लगा हुआ है, कई पार्ट में काम चल रहा है, और सेगमेंट को अब पहले था कि तोड़ तोड़ के लाया जा रहा था, काट करके लाया जा रहा था, लेकिन अब उसको समूचा सेगमेंट को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है और लाया भी जा रहा है। तो हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तक इनसे इनका प्यार भरा नमस्कार, जय भारत।